आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा जागरूकता को लेकर जिला जज तेज प्रताप तिवारी के नेतृत्व में जिलाधिकारी एसएसपी एसपी सिटी सहित अन्य न्यायाधीशों संग हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को किया गया रवाना। की अपील, कहा सभी लोग अपने अपने घरों पर जरूर लगाएं तिरंगा झंडा। एमएड प्रवेश परीक्षा के उत्तर पुस्तिका में माइनस मार्किंग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। माइनस मार्किंग को गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन से हटाने की मांग। निपुण भारत के मंडलीय कार्यशाला का मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। बच्चों को निपुण बनाने के लिए दी गई जानकारी, कहा 2026 तक सभी छात्रों को निपुण बनाने का है लक्ष्य। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अनुचर शिवचंद के आवास पर तिरंगा ध्वज फहराकर अभियान का किया शुभारंभ। एसपी सिटी ने कहा 11 अगस्त से 17 अगस्त तक पुलिस के सभी कार्यालय पर फहराया जा रहा है तिरंगा, विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास भवन के सभागार में की समीक्षा बैठक। कार्यों की प्रगति की धीमी गति पर जताई नाराजगी, कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए दिए निर्देश। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर नगर निगम द्वारा 12 किलोमीटर लंबी मिनी तिरंगा मैराथन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 450 से ज्यादा युवाओं ने किया प्रतिभाग। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा आम लोगों के मन में देशभक्ति की नई भावना को जागृत करने के उद्देश्य के लिए तिरंगा मैराथन हुआ आयोजित। चोरी के सामान के साथ एक शातिर चोर अमरधन चौहान को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 मोबाइल, चार्जर, 3500 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। हर घर तिरंगा अभियान के तहत महानगर के सभी वार्डों में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। अमर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया प्रभात फेरी का समापन। कहा देश के हर नागरिक अपने घरों पर भारत की आन बान शान के लिए लगाए तिरंगा झंडा। आम जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रप्रेम के तूफान को एक नई दिशा देने के लिए एक निजी मॉल में सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा म्यूजिकल बैंड ने आजादी की मधुर धुन बजाकर लोगों को किया जागरूक। एसएसबी के डीआईजी राजेश लांबा ने कहा हर घर तिरंगा लगाना है राष्ट्रप्रेम की भावना, देश की प्रगति के लिए अपना करें योगदान। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज के तत्वावधान में महानगर में निकाली गई प्रभात फेरी यात्रा। लोगों को 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए किया गया जागरूक। उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। श्रम कानूनों में छेड़छाड़ पर रोक लगाने की मांग।